नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे और साथ ही उन्होंने सम्मानित किया है सभी वैज्ञानिकों को मिशन चंद्रयान को लेकर। तमाम बड़ी बातें कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे होगा, ये उनकी तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे, चंद्रयान 3 लैंडिंग पॉइंट, शिव शक्ति, उनकी तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। तिरंगा पॉइंट होगा चंद्रयान 2, ये उनकी तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सम्मानित कर रहे थे सभी वैज्ञानिकों को, संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बड़ी बात उन्होंने कही है, चंद्रयान 2 पॉइंट तिरंगा पॉइंट होगा 23 अगस्त को। 23 अगस्त को लेकर भी उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा इसरो सेंटर में, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस जगह से चंद्रयान उतरा उसका नया नाम अब दिया गया है, जहां लैंडर उतरा उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति होगा, लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति होगा और जहां चंद्रयान 2 ने पदचिन्ह छोड़े उसका नाम तिरंगा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी बातें कही गई है, चंद्रयान 2 का लैंडिंग पॉइंट तिरंगा पॉइंट होगा, 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा, ये बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज किया गया है कि 23 अगस्त को हर साल नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। और साथ ही उन्होंने चंद्रयान 2 का लैंडिंग पॉइंट का नाम भी रखा, उन्होंने कहा है उसका नाम तिरंगा पॉइंट होगा और जहां चंद्रयान 2 ने पदचिन्ह छोड़े उसका नाम तिरंगा होगा, तिरंगा पॉइंट होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति होगा, ये उनकी तरफ से बड़े ऐलान किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वैज्ञानिकों को सम्मानित कर रहे थे, इसरो सेंटर से संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने कहा जिस जगह चंद्रयान उतरा उसका नाम तय हुआ है और बड़ी बात यह कि अब से 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। मां का शिव शक्ति पॉइंट सदियों तक भारत के इस वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन का साक्षी बनेगा। ये शिव शक्ति पॉइंट आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा कि हमें विज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए ही करना है। मानवता का कल्याण यही हमारा सुप्रीम कमिटमेंट है। साथियों, एक और नामकरण, जहां पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर पहुंचा है वो स्थान आज से शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।